हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जॉय ई बाइक कंपनी की वोल्फ स्कूटर। तो इसके आप फ्रंट में लुक देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की शार्प डिज़ाइन के साथ ये लुक में हमें देखने को मिलती है। तो फ्रंट फेशिया से बात करें तो रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में डुअल टोन में ये देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें इसके DRLs देखने को मिल जाएंगे। वहीं फ्रंट फेंडर की बात करें तो प्रॉपर हमें ये फाइबर में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी लाइट वेट हो जाता है और काफ़ी अच्छी आपको एवरेज भी ये निकाल के देगी। वहीं हम इसकी बात करें तो ये लो स्पीड की स्कूटर हमें जो बाइक की तरफ से देखने को मिलती है और ये काफ़ी मार्केट के अंदर फेमस भी है। फ्रंट से फेशिया इसकी बात करें तो यहाँ हमें लाइट देखने को मिलती है, जो कि प्रॉपर हमें LED सेटअप के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ की ऊपर की तरफ हमें हाई बीम और नीचे की तरफ लो बीम देखने को मिल जाता है। वहीं नीचे की तरफ बात करें तो नॉर्मल इसमें हमें स्कूटर वाले ही सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर देगा। मड फ्लैप की बात करें तो वाइट कलर का इसमें हमें कुछ ऐसे एजी डिज़ाइन वाला मड फ्लैप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। वहीं सामने वाले इसके टायर की बात करें तो सामने इसमें हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। वहीं साथ में डुअल पिस्टन का इसमें हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ इसके अंदर हमें 3.0042J C8 का टायर इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि नियर बाई 10 इंच का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और डिस्क ब्रेक होने की वजह से काफ़ी अच्छी इसकी ब्रेकिंग हमें देखने को मिल जाती है। वहीं साइड से बात करें तो प्रॉपर इसका इस तरीके का लुक हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी ने इसकी वोल्फ की ब्रांडिंग ब्लैक कलर में हमें दी है और काफ़ी अच्छा स्टिकरिंग का काम यहाँ पर किया गया, देखने में काफ़ी अच्छी हमें लगती है। वहीं हम इसके फुटपैक की बात करें तो काफ़ी बड़ा, हो सकता है एक्टिवा से भी बड़ा फुटपैक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ किसी छोटे बच्चे को भी इजीली बिठा सकते हैं। वहीं आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी कैपेसिटी देखने को मिलती है, जैसे कि आप देखो हमारा पूरा हाथ इसके अंदर चला गया, तो यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट और काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। वहीं साथ में यहाँ पर हमें इसमें मोबाइल चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर चार्ज लगा के इजीली यहाँ रख सकते हैं। वहीं साथ में इसके अंदर हमें टोइंग हुक भी कंपनी ने दिया, तो प्रैक्टिकलिटी का बहुत अच्छा ध्यान इसमें कंपनी ने रखा है। जैसे कि लो स्पीड बाइक है, लेकिन काफ़ी अच्छी और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए कंपनी ने इसे बनाया है। साइड पैनल की बात करें, साइड पैनल में सेम हमें वाइट, ऑरेंज और ब्लैक कलर का, तीन कलर का इसमें हमें कॉम्बिनेशन कंपनी ने लगा के दिया, जो कि देखने में डिज़ाइन लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा बन जाता है और शायद इसके डिज़ाइन की वजह से ये बाइक इतनी बिकती है। स्टैंड की बात करें तो नीचे की तरफ इसमें हमें साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके फ्लोर बोर्ड की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें 175 mm की इजीली देखने को मिल जाएगी। रियर साइड में बात करें तो रियर साइड में इसके टायर में हमें हब मोटर दी है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी पावर निकाल के देती है। और इससे ये फ़ायदा कि आपकी चेन का और बेल्ट का काफ़ी खर्चा बच जाता है, तो काफ़ी लो मेंटेनेंस स्कूटर में ये देखने को मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें बाइक की तरह डुअल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्प्रिंग कोइल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। या तो मोनोशॉक हो या फिर ये दो सस्पेंशन हो, जैसे हमने देखा कई स्कूटरी में सिंगल साइड में ऐसा सस्पेंशन दे दे तो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन डुअल सस्पेंशन से बहुत अच्छी स्टेबिलिटी हमें इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। मड गार्ड की बात करें तो पीछे की तरफ हमें फाइबर के अंदर नीचे इसमें मड गार्ड देखने को मिलता है। ये ऊपर से कवर है, लेकिन फिर भी कंपनी ने हमें मड गार्ड यहाँ प्रोवाइड किया है। पीछे वाले टायर की बात करें तो यहाँ भी हमें सेम 10 इंच का ही टायर देखने को मिलता है, 3.00 10 इंच का, तो 10 इंच के इसमें टायर दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी स्लीक टायर और काफ़ी अच्छी ग्रिप वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी जो है प्रैक्टिकलिटी भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बैक साइड से बात करें तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर LED सेटअप में हमें इसकी बैक लाइट देखने को मिलती है। वहीं ऊपर की तरफ हमें ये बैटमैन टाइप का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि लोहे के अंदर काफ़ी स्टर्डी हमें देखने को मिलता है। वहीं नीचे की तरफ आए तो यहाँ भी हमें लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें लुक डिज़ाइन ऐड करती है।
वहीं आप नंबर प्लेट देख रहे हैं तो यहाँ लिखा नो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन, लो स्पीड की बाइक है तो यहाँ पर आपको हेलमेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से ये और भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह। वहीं ऊपर यहाँ में रिफ्लेक्टर और जो इसकी ख़ास चीज़ है, हमें पिलियन के लिए बैकरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे हमने ओला एथर काफ़ी देखी महंगी महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलता, और ये बैकरेस्ट हमें इस जो बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करेंगे इसकी सीट की, तो सीट आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड सीट है और काफ़ी लंबी ठीक ठाक सीट है, जिसके अंदर इस ऊपर आप दो पिलियन और राइडर आराम से बैठ के चल सकते हैं। भाई तीन चलने के लिए नहीं बनी है लो स्पीड के, लेकिन दो लोगों को ईजिली लेके जाने में सक्षम है। वहीं हम इसकी की बात करें तो कुछ इस तरीके की इसमें हमें की देखने को मिलती है, जो कि फिज़िकल भी है और सेंटर लॉकिंग के साथ ही हमें देखने को मिल जाएगी। जिससे इसके रिमोट की बात करें तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप सेंटर लॉकिंग, वहीं आप ये अलार्म दबाएंगे जैसे आपने कहीं भीड़ में इसे खड़ा कर दिया, और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आपको देगी और आपको पता लग जाएगी ये कहाँ है। यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं खड़ी खड़ी को, ये लॉक और ये अनलॉक करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमें ये दो इसके अंदर हमें सेंटर लॉकिंग के और दो फिज़िकल की देखने को मिल जाती हैं। वहीं हम इसको लगा के और आगे की तरफ हैंडल बार की बात करें तो कुछ इस तरीके का हैंडल बार इसमें हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नॉर्मल हमें ये बैक ब्रेक, वहीं साथ में हमें ये लो बीम और हाई बीम का बटन, वही साइड टर्न इंडिकेटर के बटन, ये हॉर्न का स्विच यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं साथ में बात करें फ्रंट ब्रेक, ये रिवर्स और ड्राइव, यहाँ पर आप इसको इजीली रिवर्स भी कर सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन, ये लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, जिससे DRL भी ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें प्रॉपर इसमें हैंडल देखने को मिलता है, ये काफ़ी वाइड इसके अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं मिरर्स, जो कि एक्टिवा से भी काफ़ी वाइड हैं। तो अब मैं इसके मीटर को आपको दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का इसमें हमें ये डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये हमें दोनों साइड टर्न इंडिकेटर के लिए लाइट, ये हमें चार्जिंग का प्लग कि कब आपने इसको चार्ज लगाया है, वहीं यहाँ पर आपको हाई बीम की लाइट। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ कितना है, वहीं साथ में आपको वोल्टेज बताएगी, ये ओडोमीटर और ये हमें स्पीडोमीटर इसके अंदर प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। वहीं जो ई बाइक की ब्रांडिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है, वहीं ऊपर रेडी ग्रीन है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल में है, जैसे ही आप इसको स्पीड देंगे तो ये चल पड़ेगी। वहीं अब हम बात करें इसकी डिग्गी की, तो कुछ इस तरीके से सामने से हमने यहाँ पर इसकी डिग्गी ओपन कर ली है। वहीं बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटैचेबल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसकी पावर की हम बात करें 60 वोल्ट और 31 AH की इसमें हमें देखने को मिलेगी, जिससे ये बैटरी इजीली हमें 100 किलोमीटर तक की एवरेज देने में इजीली सक्षम है, जिसमें जो कि हमें कंपनी क्लेम करती है, तो 100 किलोमीटर तक की आपको दे देगी और 25 किलोमीटर तो घर के कामों के लिए काफ़ी अच्छी यूज़ हो सकती है। वहीं टॉप स्पीड की बात करें हम इसमें, तो टॉप स्पीड इसमें 25 तक की मिल जाएगी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर है। तो भाई जैसे इसके अंदर बैटरी आएगी तो यहाँ आपको ज़्यादा डिग्गी में स्पेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, वहीं कंपनी ने स्पेस को आगे की तरफ मैनेज कर दिया है। वहीं जैसे कि हम इसको अगर हटाना चाहें तो यहाँ से आप इसको रिमूव करके और ईजिली बैटरी को यहाँ से ले जाके ऊपर अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं, जो कि लोग ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं, नीचे वाले तो डायरेक्ट घर से चार्ज कर लेंगे, जो फ्लैट्स में दिल्ली में ऊपर रहते हैं वो इसको इजीली यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू हमारी जॉय ई बाइक कंपनी और वोल्फ के इसके मॉडल का, तो जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बजट के साथ साथ। वहीं हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, 88,000 ऑन रोड दिल्ली के अंदर आपको इसकी यहाँ प्राइस देखने को मिल जाएगी। वहीं
इस शोरूम की बात करें जहाँ पर ये खड़ी है, तो ये शोरूम है जो है ई बाइक का, जिसका पूरा एड्रेस है सरस्वती विहार पीतमपुरा के मेन रिंग रोड पे, ये हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर आप आओगे तो आपको पीतमपुरा का मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ से सिर्फ 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको शोरूम देखने को मिल जाएगा। बाकी इस पूरे शोरूम की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आप इसको स्कूटर को इस शोरूम से ईजिली ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसी ऐसी वीडियो और इसकी जो है बाइक के मॉडल्स की वीडियो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।